नर्स वो फाइल देना। मैं आती हूँ 10 मिनट में। आपने बुलाया मैम? हाँ, जरा ईरा को उनकी दादी जी को दे दो, वो बाहर वेट कर रही हैं। जी। तब तक मैं डॉक्टर से इन पेपर्स पे साइन करवा के लाती हूँ। ईरा बोला था या मीरा? मीरा ही कहा होगा। ये रही मीरा। बा, ये कुछ शॉल है, देख लीजिए। ये मैं आपके और माँ के लिए शॉल लेकर आई हूँ। आपको जो भी पसंद हो आप रख लीजिए। अब राशि, गोपी वाऊ को फोन करो और पूछो कि मीरा कैसी है। तुम्हारा फोन। हेलो गोपी, अब मीरा कैसी है? ज्यादा रोई तो नहीं ना? हाँ राशि बेन, मीरा ठीक है। राशि फोन मुझे दो। हाँ एक एक मिनट। हाँ गोपी वाऊ, अहम उसकी क्या प्रतिक्रियाएं थी? हाँ माँ जी, अहम जी भी बिल्कुल ठीक है, वो बस डॉक्टर के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो गए थे। सारो अब तुम लोग संभल कर जल्दी से घर पहुँच जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चल। पता नहीं मेरी पोत्री हीरा कहाँ है, वो नर्स कब से उसको लेके अंदर गई। क्या हुआ, तुम इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? पता नहीं अहम जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ अजीब सा है। वो इसलिए कि हमारी मीरा को इंजेक्शन लगा, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। क्या छोड़ो, तुम शांत हो जाओ, मीरा बिल्कुल ठीक है। चल। मेरा चश्मा, अरे मैं तो गाड़ी में ही भूल के आ गई। ईरा, मारी पोत्री, अरे मैं तो कब से तुझे ढूंढ रही थी। आजा, आजा मेरा बच्चा। अभी अगर मेरी पोत्री को कुछ हो जाता तो इतनी लापरवाही। अभी हम घर चलते हैं। लगता है इसे इंजेक्शन का दर्द हो रहा है, तभी तो इतना रो रही है। लाइए अहम जी, मीरा को मुझे दे दीजिए, मैं चुप कराती हूँ। अच्छा ठीक, मम्मा को बचो। अब ये टॉवेल, वो टॉवेल तो नहीं है जिसमें मैंने टॉवेल। अले 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 अले। कोई बात नहीं, चलो आजा, आजा मेरी गुड़िया, आजा 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 आजा। अभी हम घर जा रहे हैं ना, और जब घर पहुंचेंगे तो मम्मा इसे बदल देगी, है ना? नहीं रोको, नहीं रोको भैया, घर में कौन है? दादी है ना? दादी।
ये मालिश करेगी और फिर मासी भी तो है, मासी क्या करेगी, मासी हमें डांस करके दिखाएगी। मेरी गुड़िया को मासी की डांस बहुत अच्छी लगती है ना। चलो ड्राइवर। एमजी, क्या हुआ? एमजी हमारी मीरा नहीं है, एमजी हमारी मीरा नहीं है। मीरा नहीं है क्या? My God। वो मैडम मेरा पैर फिसल गया था इसी के वास्ते। अपनी लापरवाही के लिए मुझे सफाई मत दो। अभी अगर मेरी पोत्री को कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती मैं अपनी बहू को, किसकी माँ को? मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। अजी थोड़ी मार माँ, मेरी न्यूयॉर्क की फ्लाइट है इसलिए जरा जल्दी मत छू, वरना तुम्हें जरूर सबक सिखाती। ये कैसे होगा गोपी? चलो जल्दी करिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहां से। ये कैसे हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैं ये भी नहीं समझ सका ये हमारी बेटी मीरा नहीं और किसी गलत बच्चे को उठा ली। सॉरी आंटी जी। अरे देख के नहीं चल सकते, पहले धक्का दो पची सॉरी बोलो। यहां सब ऐसे ही है, घेला घेला। डॉक्टर बात क्या है? आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं गलती से अपना बच्चा समझ किसी और के बच्चे को लेकर चला गया। क्या ये आप कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी गलती? सॉरी डॉक्टर, मैंने कहा ना, लेकिन प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी बच्ची ढूंढने मेरी हेल्प कीजिए, कुछ कीजिए जल्दी से। सभी पेरेंट्स जो वैक्सीनेशन के लिए आए थे अपने अपने बच्चे लेकर चले गए, अब यहाँ कोई बच्चा नहीं है। क्या? अब ऐसे कैसे हो सकता है? एमजी मैं नहीं जानती, मुझे मेरी मीरा चाहिए एमजी। हाँ गोभी मैं कर रहा हूँ ना, हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे, शांत हो जाओ प्लीज। बच्चे की माँ भी इसे ढूंढ रही हो? हाँ हो सकता है, क्योंकि आपने भी वही गलती की जो उन्होंने की। डॉक्टर मुझे उन सब पेरेंट्स के मोबाइल नंबर चाहिए जो आज आपने अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाने आए थे, प्लीज। जी सर। गोपी मेरा कैसे हो गया ये सब? डॉक्टर मुझे लिस्ट दिखाई। नर्स आप इस बच्चे को संभालिए, शायद इसके माता पिता उसके ढूंढते यही आएंगे। हेलो, वो प्लीज मुझे पूछना था कि कहीं आप कोई गलत बच्ची को तो नहीं लेकर गए? ये क्या मजाक है? नहीं मेरा मतलब वो। हेलो क्या हुआ? साथ